अरे युवराज सिंह भी है, बनी भी है, मुस्कान गोयल और पल्लवी चौहान, नंदिनी भट्टर, यशिता मार्गी, कृतिका। हाय, हाय राहुल कैसे हो आप? चौहान, सौम्या, हर्ष। ठीक है, मतलब अपने ऑलमोस्ट सारे लोग आ चुके हैं अभी लाइव। ठीक है, एडमिट। ये मैं कौन? दीपक। हेलो वाह यार, सारे आ गए ऑलमोस्ट ना। ठीक है, तो अभी अपन क्या करेंगे? अभी सबसे पहले तो सब सब अपना अपने अपने ऑडियोज और वीडियोज ना म्यूट कर दो। ओके हाँ, सब ऑडियो वीडियो म्यूट कर देना। ठीक है, वीडियो भी क्या? हाँ, वीडियो म्यूट भी। कर दो। अच्छा हाँ, अभी भी किसी के ऑडियो की आवाज आ रही है? किसका ऑडियो ऑन है? बनी बनी भाई, आपका ऑडियो ऑन है इसको? हाँ, म्यूट, परफेक्ट। ठीक है, तो अभी अपन क्या करेंगे? सबसे पहले तो जैसा मैंने बताया था कि अपन सबसे पहले चैंटिंग ट्राई करेंगे। ठीक है, तो हुआ क्या, मैं अराउंड 7 महीने पहले ना मैंने सबसे पहले भगवद गीता एज इट इज पढ़ी, और हमेशा से कुछ क्वेश्चंस थे मन में बचपन से। अरे नील भी आ रहा है, एडमिट। ठीक है, नहीं हूँ कब के। तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे हम सबके अंदर, होता है ना क्वेश्चंस कि यार हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं, या ये दुनिया क्यों है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। तो इस तरह से क्वेश्चंस लेकर ना मैं जिंदगी भर ऐसे घूमता था, सोचता था शायद मेडिटेशन में कभी इसका आंसर मिलेगा, सोचता था कभी किसी और जगह मिलेगा, कभी किसी से सुन के मिलेगा, पर कहीं मिला नहीं था। फिर मैंने भगवद गीता एज इट इज पढ़ी और तब से फिर सारे आंसर्स मिलने शुरू हो गए। तो और तब से ना मैंने असल में फील कर पाया मैं कि स्पिरिचुअलिटी असल में होती क्या है, या ये क्या, वो क्या हैप्पीनेस है स्पिरिचुअलिटी की, जो हम जब टेस्ट करते हैं ना पहली बार, तो हमको ऐसी हैप्पीनेस फील होती है जो हमने आज तक कभी नहीं करी होती है। तो ये मेरा आउट ऑफ, मतलब मैंने मेरी जिंदगी के जितने भी इयर्स, जितने भी साल मैंने निकाले हैं ना, उन सब में से सबसे अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है। और तब से मेरे जो दोस्त मुझे मिलता है, जो भी मुझसे बात करता है, मैं उसको सजेस्ट करता हूँ कि भाई तुम चैंटिंग जरूर ट्राई करना, ये इतना पीसफुल है, इतना इतना मतलब अमेजिंग है ना, कि इसका कोई जवाब नहीं है। मतलब मैंने आज तक 15 साल से मैं मेडिटेशन कर रहा था, म्यूजिक तो बना ही रहा था, गाने गा ही रहा था, लेकिन ये जो चैंटिंग में जो हैप्पीनेस है ना, जो चैंटिंग में जो जो फील आपको ये करवाता है, वो एकदम ही डिफरेंट है सारी चीजों से। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सब साथ में चैंट करेंगे थोड़ी देर, और फिर उसके बाद में अपन बातें करेंगे। ठीक है, तो चैंट क्या करना है अपन को? चैंट करना है बहुत सिंपल मंत्र मेडिटेशन है। ये मंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चाहो तो सब इसको कहीं लिख सकते हो, किसी पेपर पेन पे या तो फोन में कहीं पे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, ये तो मंत्र हुआ। सबको आ गया, लर्न हो गया, ये याद हो गया सबको? चैट में बोल सकते हो, चैट में लिख सकते हो हाँ या ना। हाँ जी, यस यस, यप, याद हो गया। मारी कह रही, हाँ युवराज, यस। कृतिका, हाँ जी, हाँ जी। स्वाति, हाँ भाई। हर्ष कह रहे हैं यस, हाँ। ठीक है, डन। तो अब सबको याद हो गया ये, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, चेक कर लेना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो ये मंत्र है, अभी हम सब साथ में इसको चैंट करेंगे। सब अपने ऑडियोज म्यूट ही रखना और मेरे साथ साथ में बोलने की कोशिश करना। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग का एक मंत्र होता है, वो हम पहले करेंगे। रिपीट करना मेरे बाद में ये वाला मंत्र।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। तो अभी क्या करना है, ये जो हरे कृष्ण मंत्र है मैं बोलूंगा, मेरे साथ साथ में रिपीट करना, साथ साथ में बोलने की कोशिश करना और बोलना और सुनना, बोलना और सुनना बस और कुछ नहीं करना, और फिर तुम्हें पता चलेगा क्या मैजिक है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा, अपने ऑडियो म्यूट कर लेना, जिसका भी ऑन है ना अभी ऑडियो, किसका ऑन है वो म्यूट कर लीजिए अपना ऑडियो एक बार। नहीं, आकाश, आकाश भाई आपका ऑडियो म्यूट कर लो। आकाश आप सुन पा रहे हैं मुझे? परफेक्ट। तो हाँ, तो हम चैंट करेंगे सब साथ में, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस चैंट करना है और सुनना है, चैंट करना है और सुनना है। ठीक है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैसा लगा? तो अब चैट में लिख सकते हो तुमको जैसा भी फील हुआ है ना। सुकून पल्लवी कह रही है बहुत ज्यादा अच्छा, पीसफुल। राहुल कह रहे हैं बहुत अच्छा सुकून भरा, एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट 108 टाइम्स, रिलैक्स हो गए, काफी बेटर है ना, तो बेहतरीन। तो अराउंड 7 मंथ्स से ना, 7 मंथ्स पहले मैंने, अरे 4 पीपल वेट कर रहे हैं आने का। तो अराउंड 7 मंथ्स से ना मैं ये चैंटिंग प्रैक्टिस कर रहा था, चैंटिंग मेडिटेशन, और फाइनली कहते ना बहुत टाइम से जब आप वो सुकून, वो हैप्पीनेस आप तलाशते हो, क्योंकि हम सब एक्चुअली में वही करते हैं। हम गाने भी क्यों सुनते हैं? क्योंकि हमको हैप्पीनेस मिलती है उससे, राइट? यशिता क्या कर रही है? ऐड देम ना प्लीज। हाँ मैंने ऐड कर दिया यशिता। अच्छा सब अपने ना ऑडियोस म्यूट कर लेना थोड़ी देर। शौर्या इज वॉचिंग यू, प्रशस्ति, अरे वाह, सब ऑडियोस म्यूट कर लेना लेकिन, ठीक है? सब सबके ऑडियोस म्यूट कर देना, एक मिनट। हाँ कौन है माइक? प्रशस्ति आपका माइक म्यूट कर लो। कृतिका, सना, हाय सना, हाय कृतिका, आप आपके ऑडियोज म्यूट कर लो थोड़ी देर के लिए। हाँ सब ऑडियोज म्यूट कर लेना, ठीक है? सना आपका ऑडियो ऑन है अभी, आप उसको म्यूट कर सकते हैं प्लीज। सना मोहित, सनम सनम आपका ऑडियो म्यूट कर लीजिए। Can't. आप नहीं कर पा रहे ऑडियो म्यूट? नहीं। अच्छा वहां देखिए नीचे लोअर लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शन होगा म्यूट का, और वॉइस का जो आइकन बना है ना उस पर आप क्लिक कर लीजिए। तो ऐसा, तो मैंने 7 महीने पहले इसको शुरू किया चैंटिंग करना, और फिर जो लाइफ में जो सुकून आया, जो हैप्पीनेस आया, जो मैं बता रहा था कि हम सब एक्चुअली में ढूंढते हैं, गाने भी इसलिए सुनते हैं ताकि एक हैप्पीनेस मिले, है ना, अच्छा खाना भी इसलिए खाते हैं क्योंकि हैप्पीनेस मिले। तो ये था कि हैप्पीनेस का जो पीक होता है ना, वो मैंने पहली बार तब महसूस करा जब मैंने ये चैंटिंग स्टार्ट किया आज से 7 महीने पहले। उससे पहले लगता था कि हाँ यार ये हैप्पीनेस तो है लाइफ में, लेकिन बहुत फ्लिकरी है। मतलब जब तक कोई चीज तुम्हें चाहिए, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें चाहिए कि कोई गिटार, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें गिटार लेना है, अब जब तक गिटार नहीं आएगा तब तक तुम उसको चाहोगे गिटार आ जाए, फिर जैसे ही आता है तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है धीरे धीरे, कि चलो अब तो गिटार आ गया, अब तो हो जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो वो जो हैप्पीनेस होती है ना किसी मटेरियल चीज को पाने की, वो बहुत क्विकली वैनिश हो जाती है, बहुत फ्लिकरी है। पर ये जो हैप्पीनेस है ना जब हम स्पिरिचुअलिटी को टच करते हैं लाइफ में, ये हैप्पीनेस ऐसी है जो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और एक्चुअली में हैप्पीनेस ना रियल वाली यही है। तो ये मुझे था इच्छा कि मैं मेरे क्या है सब दोस्तों का ना ये बता रहा था कि तुम भी चैंट करो, तुम भी चैंट करो, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम सबको भी बताऊं।
इनफैक्ट अपनी कपकेक फैमिली में भी कुछ मेंबर्स होंगे ऑलरेडी जिनको मैं बता चुका हूँ कि प्लीज तुम भी चैंट जरूर करना। तो अभी क्या है, कोरोना की वजह से टाइम भी ऐसा चल रहा है ना कि हम सब भले आप जो भी करते हो, हम जो भी करते हो, लेकिन इसकी वजह से अफेक्ट हर किसी को हुआ है किसी ना किसी तरीके से। एंड हर कोई चाहता है कि वो हैप्पीनेस कहाँ से मिल पाए, वो स्ट्रेस कहाँ से कैसे दूर हो पाए। तो ये मुझे बहुत ही पोटेंट एक तरीका लगा उस हैप्पीनेस को वापस से रिवाइव करने का। और तो मैंने सोचा क्यों ना तुम सबके साथ में शेयर करूं। तो अभी अपन जब एंड करेंगे ना, एंड करने से पहले भी अपन थोड़ी सी चैंटिंग और करेंगे साथ में, और अब हम कर सकते हैं थोड़ी बातें। तो अगर किसी के कुछ भी कोई क्वेश्चंस भी हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, एक एक करके अपन करते हैं ना। तो मैं क्या कहूंगा, मैं जिसको कहूंगा वो अपना ऑडियो एंड वीडियो म्यूट करना, और फिर मैं 1-to-1 उनसे बात कर लेता हूँ एक एक करके, ठीक है? तो अपन सबके साथ में ऐसा बातें करेंगे थोड़ी देर थोड़ी देर। तो सबसे पहले मैं नेहू कपकेक का आ रहा है नाम इसमें टॉप पे। नेहू कपकेक, आप अपना माइक ऑफ, ओके हाँ, स्विच ऑन कर लो और वीडियो स्विच ऑन कर लो आप चाहो तो। नेहू कपकेक आप सुन रहे हैं? बाकी सब अपने म्यूट ही रखना ऑडियो और वीडियोस, ठीक है? तो ऐसे अपन वन ऑन वन बात कर पाएंगे थोड़ी थोड़ी देर, ठीक है? नेहू कपकेक, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? कितना अलग है ना यार ये जूम, बताओ। पहले आदत फेसबुक फेसबुक पे चैट करने की थी, फिर इंस्टाग्राम हो गया, अब जूम का जमाना। हाँ जी नेहू, एकदम सही से, कैसे हो आप? हेलो, हेलो नेहू, मैं आपको सुन सकता हूँ, हम सब आपको सुन सकता है आई मैं थिंक। बहुत अच्छी हूँ। आप बताओ, आप कैसे हो? बहुत ही ज्यादा अच्छा। थैंक यू फॉर दिस सेशन, हमें इसकी बहुत जरूरत थी। इनफैक्ट हम लोग कब से चाह रहे थे कि आप एक बार लाइव आए और हम लोग के साथ आए स्पेशली। सो थैंक यू सो मच फर्स्ट फॉर दिस। अरे यू आर वेलकम। तो कैसा लगा आपको चैंट एंड करके? राधे हाँ, राधे राधे, बहुत राधे, बहुत कैसा लगा? अच्छा यार। मतलब आई थिंक नेहू कपकेक डिसकनेक्ट हो गई है, तो जब वो एक्चुअली आएंगे। अच्छा आगे तो वापस। आज हाँ के नेहू, आपका आई थिंक नेटवर्क अच्छे से नहीं आ रहा है क्या? बाकी सबको नेहू की आवाज क्लियर आ रही है? हो अभी आ सकता रहा है है शायद क्या? मेरे, हाँ अभी अभी आ रहे हैं। हेलो, हाँ बाकी सब जितने भी लोग हैं ना चैट में एक्टिव रहना, हाँ अगर मैं मैं ऐसा मतलब बोलने वाली पूछूं। थी कि हाँ मैं ऐसा बोल रही थी क्योंकि अभी कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, तो कोरोना ने फिजिकली तो सबको वीक किया ही है, मेंटली भी कुछ ज्यादा ही वीक किया है। तो एक ये चीयरफुल सेशन चाहिए था हमें, जिससे थोड़ा सुकून मिले हमें। सो थैंक यू बिल्कुल। फॉर तो दिस। नेहू, और यू आर मोस्ट वेलकम। बस आप थोड़े अपडेट रहा करो, हम लोग थोड़े अच्छा फील करते हैं। मेरा क्या है कि पहले कैसा था, मुझे ना इंस्टाग्राम पे अपलोड करना किसको पसंद नहीं होता, तो मुझे ही बड़ा पसंद था। और पसंद क्यों होता है, क्योंकि वही है ना कि लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं और लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो उसका एक अलग फ्लेवर होता है कि अरे वाह यार, लोगों ने पसंद किया, मैंने कुछ किया और मेरे को अप्रिशिएट अप्रिशिएशन मिला, तो बिल्कुल वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस होती है, ठीक है ना? उसके लिए भी हम सब जितने भी आप देखोगे, इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे जो भी लोग हैं वो इसीलिए पोस्ट करते हैं क्योंकि उनको वो हैप्पीनेस चाहिए होती है अप्रिसिएशन की। लेकिन जब मैंने ये चैंटिंग की हैप्पीनेस को महसूस किया ना पहली बार, तो मुझे ना वो सारी अप्रिसिएशन की हैप्पीनेस, सारी बाकी चीजों की हैप्पीनेस ना बड़ी ही छोटी लगी इसके सामने। तो फिर मेरा क्या है, थोड़ा सा मन ऐसा हो गया कि यार ठीक है, मेरे को अब इससे एडिक्शन नहीं है, मुझे इंस्टाग्राम से एडिक्शन नहीं है, तो मैं इस पर पोस्ट करूं ना करूं मेरे को अब फर्क नहीं पड़ता है। मुझे वो लाइक्स वाइक्स कमेंट्स वमेंट्स का वो अब मेरे को बिल्कुल उस वाली चीज से, उस वाले जोन से मैं दूर हो गया हूँ, और मुझे अभी इसमें बड़ा अच्छा लग रहा है। तो अब जाकर ना वो पीस ऑफ माइंड, वो हैप्पीनेस फाइनली मैं एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ। और मैंने सोचा कि क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है मैं और लोगों को भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि तुम सबके साथ में मैं चैंटिंग करूंगा आज और बात करूंगा। तो डन नेहू, तो अब हम आपसे हाँ, फिर से बात मैं करेंगे, पर ऐसा बोल अभी रही हूँ हम, कि मतलब हाँ जैसे आपने स्टार्ट किया है ना सब कुछ,
हाँ तो जैसे अगर आपने स्टार्ट किया तो हम लोग भी चाहते कि हम भी ऐसा करें, अपनी लाइफ में सुकून मिले, हम थोड़ा लाइफ से अलग होकर एक सुकून पाएं। लेकिन ऐसा होता है ना कि वो रूटीन नहीं बन पाता है। जैसे हम चाहते हैं 1 दिन करते, 2 दिन करते, 3 दिन करते, बट वो रूटीन नहीं बन पाता है, जो हम चाहते हैं वो हो नहीं पाता है। तो उसके लिए थोड़े सजेशंस। तो कैसा है कि जैसे आपने कभी मेडिटेशन के बारे में सुना होगा है ना, कि मेडिटेशन करने के लिए ऐसा पोज में बैठना पड़ता है, इतनी सुबह जल्दी उठना पड़ता है और ये सब ये सब। इस चैंटिंग मेडिटेशन का ना इतना बढ़िया, यू मान लो इतना बढ़िया है ये चैंटिंग मेडिटेशन कि आप इसको कहीं भी कभी भी कर सकते हो। कोई रूल्स नहीं, कोई रेगुलेशंस नहीं। आप गाड़ी चला रहे हो, आप कहीं बैठे हुए हो, आप खड़े हुए हो, आप खाना बना रहे हो, जो भी आप कर रहे हो ना उस टाइम पे आप इसको चैंट कर सकते हो और सुन सकते हो और उसका इफेक्ट उतना ही अच्छे से आएगा। बस एक ही चीज करनी है, इसको बोलना है और सुनना है। अगर आपने सुन लिया इसको अच्छे से बोलते हुए, सो इट इज सक्सेसफुल। आप कुछ भी कर रहे होगे ना, कहीं वॉक भी कर रहे होगे या आप खाना भी बना रहे होगे, तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। इवन वॉशरूम में भी आप इसको मतलब चैंट कर सकते हैं, इतना प्योर है ये। इसको इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आपको इससे बहुत फर्क पड़ने लग जाएगा। तो ऐसी चीज है ये। तो ठीक है मेहू, अब मैं और उससे भी बात करता हूँ, ठीक है? ओके थैंक ओके, यू थैंक सो यू। दूसरों को मच। भी टाइम देना होगा आपको। थैंक हाँ यू हाँ सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम प्रशस्ति। अब आप आ जाइए, ऑडियो एंड वीडियो आप अनम्यूट कर सकते हैं चाहे तो। प्रशस्ति आप सुन रहे हैं? यस, हाय। अरे वाह, हरे कृष्णा, कैसे हैं शौर्या? वाह राधे राधे <Wow. करो सबको। शालियो, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो? बस हम भी बढ़िया। शोर को भी पसंद है मेडिटेशन, मैं करती हूँ, सुनाती हाँ, आपने बताया था मुझे। हूँ। तो आप चैंटिंग ऑलरेडी करती हैं मतलब पहले से ही? नहीं, आपने बताया तब से। अभी अच्छा, और अभी कैसा लगा? अच्छा लगा, मजा आया, है सुकून चाहिए वो ना? तो मिला। प्रशस्ति, अब तुमको भी ना आपसे डेली करना है, ठीक है? जब चाहो डेली तब। कोशिश जारी है। हाँ, जब तुमको टाइम मिले, एनी टाइम एनीवेयर तुम चैंट कर सकते हो, ठीक है? डन। बोलो, आप सबसे बात कर लो। जय ठीक जय है। जय जय श्री राम। जय श्री ओके, कृष्णा बाय शौर्य। ओके कृष्णा। पीपी, ठीक है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट है सना मोहित। अब आप अनम्यूट कर सकते हैं आपका ऑडियो वीडियो चाहे तो। जो आपकी चॉइस हो है ना, आप वो अनम्यूट कर सकते हो। आप चाहो कि आपको सिर्फ बोलना है, आवाज आनी चाहिए, तो आप आवाज को अनम्यूट करो। आपको चाहिए कि दोनों अनम्यूट करने, तो आप वीडियो भी ऑन कर लेना। तो जैसी आपकी इच्छा हो, आप सबकी, उस हिसाब से करना, ठीक है? तो सना हाय सना मोहित जी, हाय सनम जी, कैसे हैं आप? आई एम फाइन एंड यू? बहुत अच्छा। आपने सॉरी आई चैंटिंग ट्राई कांट। करी? हाँ जी, यू नो आई एम फ्रॉम बांग्लादेश, हाँ, क्या बात सो है। मैं आप हाँ जी, मैं आपकी आई थिंक इस ग्रुप में एक ही फैन हूँ जो बांग्लादेश से हूँ। अरे वाह, सो नाइस। आपको फिर बांग्ला आती है? हाँ जी, अरे मेरे वाह। मदर टंग भी तो बांग्ला है। हाँ, तो मैं आपको एक बंगाली में सॉन्ग सुनाऊं? हाँ जरूर। ओ माय गॉड, तो प्लीज। एक्चुअली मैं आप सबको बताना चाहता हूँ ये बात, कि ये जो चैंटिंग का ये जो मूवमेंट शुरू हुआ था ना, ये आज से 500 ईयर्स पहले शुरू हुआ था बंगाल की एक जगह पे, जिसका नाम है नवद्वीप। और इसको शुरू किया था श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने। तो वहां से ना ये जी पूरा कल्चर शुरू हुआ था वैष्णव सॉन्ग्स का और सब चीजों का, और चैंटिंग का, हरे कृष्ण महामंत्र का। तो वैष्णव सॉन्ग्स बंगाली लैंग्वेज में गाए जाते हैं, उन्हीं में लिखे जाते हैं। हाँ जी, तो बहुत खूबसूरत कुछ सॉन्ग्स हैं। तो उनमें से एक जो करंट मेरा फेवरेट है, वो मैं आप सबको सुनाता हूँ थोड़ा सा, बहुत बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो सॉन्ग कैसा है कि जी ये
यशोमती, या ये तो रुको थोड़ा और वो सुनाता हूँ। राधा कृष्ण प्राण मोरा, जुगला किशोरा, जीवाना मारा ने गति, और ना ही मोरा, जीवाना मारा ने गति, और ना ही मोरा, राधा कृष्ण प्राण मोरा, जुगला किशोरा। तो ये गाना है राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोरा, जीवना मरणे रति गति औरो नाही मोरा, कि जो डिवाइन कपल है राधा एंड कृष्णा, वो मेरे लाइफ एंड सोल है, और उनके बिना मेरा और कोई भी मतलब और कोई भी सहारा नहीं है, यूं समझ लीजिए। तो ये एक बहुत ही प्यारा वैष्णव सॉन्ग है। तो थैंक यू जी, सो मच थैंक सनम, यू आपकी मोहित वजह से जी। मुझे याद आया कि मुझे सुनाना चाहिए। तो कैसा लगा आपको चैंटिंग करके? बहुत अच्छा जी, और आई थिंक आई मीन आई कांट बिलीव दैट आई एम टॉकिंग टू यू। अरे सो स्वीट, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, पता है, इसमें फाइनली मैं क्या इतने बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रही है। और इतने सालों से ना, पता है, हम सब साथ में थे लेकिन कभी ऐसे वन टू वन बात नहीं हो पाई। इनफैक्ट मुझे एक ही बात का बुरा लग रहा है कि ये जो जूम कॉल है ना, ये 45 मिनट्स की ही होती है। तो नहीं तो मेरी इच्छा थी कि मैं अच्छे से और बात करता आप सबसे। तो सनम, अब हम फिर आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, पर अब मैं चाहता हूँ कि 1 मिनट, रनिंग आउट ऑफ टाइम, हियर इज अ गिफ्ट फ्रॉम जूम, वी हैव रिमूव द 40 मिनट टाइम लिमिट ऑन योर नेक्स्ट ग्रुप मीटिंग। नेक्स्ट ग्रुप मीटिंग की इन्होंने टाइमिंग वो कर दी है इंक्रीज, पर अभी की नहीं करेंगे। सही है भाई, इनका भी अलग सिस्टम है। ठीक है, डन। तो आना, तो सनम फिर हम वापस से और बात करते हैं नेक्स्ट टाइम, ठीक है? मैं ऐसे ठीक है सेशंस मोहित करता जी, रहूंगा, ठीक मैंने है, प्लान किया है कि हर किसी वीकडे पे हम सब साथ में ऐसे सेशन जरूर करेंगे। फिर हम और डिस्कस करेंगे स्पिरिचुअलिटी पे, चैंटिंग पे, लाइफ के बारे में, ठीक है? ओके जी, ओके ठीक थैंक यू, है, डन। ओके सनम, बाय। बाय। अब मुझे नाम दिख रहा है हंस दयाल का। हंस, अब आप अपना ऑडियो म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं और वीडियो अनम्यूट कर सकते हैं, चाहे तो जो आपकी इच्छा हो वो आप अनम्यूट कर सकते हैं। कैसे हैं हंस साहब? मैं अच्छा हूँ भैया, आप बताओ। अरे वाह, बहुत अच्छे। आपने चैंटिंग ट्राई करी? मुझे लगा आप शायद लेट आए थे थोड़ा सा। हाँ मैं आज ही अब देखा हूँ ना इसको, पता ही आज ही चला मुझे। अच्छा अच्छा तो आपने चैंटिंग नहीं कर पाए थे हमारे साथ में? नहीं अभी दे, बस जस्ट कराया मैंने डाउनलोड। ठीक है, कोई बात नहीं हंस। तो अपन हो सकता है अगर टाइम रहा ना, तो अपन आज आज के सेशन के एंड में वापस से चैंटिंग करेंगे, और आप भी जरूर ट्राई करना। बहुत ही पीसफुल और बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है ये। तो ये जब से मैंने एक्सपीरियंस ओके किया ना भाई, भैया, तब से मेरी इच्छा हुई कि मैं सबको बताऊं इसके बारे में। तो मेरे जितने भी दोस्त है ना, जो मुझसे बात कर रहा है, मैं उसको बता रहा हूँ कि भाई चैंटिंग कर, भाई चैंटिंग कर। तो नहीं अभी हंस भाई भी नहीं मिल गए मैंने हैं, अभी तो जस्ट जान लिया। और बताओ आप परफेक्ट। कैसे हो, मैं बहुत अच्छा हूँ। इनफैक्ट कहाँ पे हो मैं अभी? इतना खुद को जयपुर में, मैं अपने खुद को इतना लकी मानता हूँ ना कि मतलब ऑल बिकॉज ऑफ कृष्णा जी, कि यू नो कोरोना के टाइम पे सब हर कोई इतना झेल रहा है, इतनी परेशानी आ रही है सबको, लेकिन ये ऐसी चीज है ना, ये चैंटिंग की और अब स्पिरिचुअलिटी की, कि ये जैसी लाइफ में आई ना, फिर टेंशन क्या होती है, स्ट्रेस क्या होता है, मैं भूल मैं गया। जा के आया था अक्षय पात्र, आप मिले नहीं वहां पे। क्या बात है, आप कब आए थे? अच्छा मैं गया था जस्ट, आप उस टाइम पे जा रहे थे, मतलब मेरी माँ से बात हुई तो बोले कंटिन्यू जा रहे हैं, वो हाँ, मैं कोरोना कंटिन्यूअस जाने टाइम लग पे ही गया जा था। रहे थे मार्च।
हाँ उस टाइम पे गया था मैं एक दिन, मैंने कहा मिलेंगे क्या पता। तो कोई ना, अब अपन फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। एक बार ये शाम के राजस्थान टाइम का पे गया था मैं, लॉकडाउन, संडे को गया था। अच्छा तो हाँ अभी तुम नेक्स्ट अभी बार तो मैं घर आओगे आ ना गया फिर हंस कोरोना के टाइम। हाँ कोई बात नहीं, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आओगे ना तो तुम्हें टेम्पल में भी हम हाँ साथ में चैंटिंग भी करेंगे, वहां पे प्रसादम भी लेंगे और डांस भी करेंगे, वहां पे बहुत अच्छा संकीर्तन होता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ठीक है? करके आया था वहां पे, देख के आया था, वो अच्छा वाला। अरे वाह, ठीक है तो ओके डन हंस। अब आप आपका ऑडियो वीडियो अनम्यूट कर लीजिए, है ना। अब मैं नेक्स्ट पार्टिसिपेंट से बात कर लेता ओके हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि अपन ओके भैया, सबसे ओके। एक ना हाँ एक बार बात जरूर कर लें। ठीक है? नहीं, थैंक यू भैया, थैंक यू, थैंक यू, ओके बाय हंस। बाय भैया, बाय। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट नाम है हैप्पी का। हैप्पी आप अपना ऑडियो वीडियो अनम्यूट कर लीजिए। राधे राधे, राधे राधे, कैसे हैं आप हैप्पी भाई? बस हैप्पी बढ़िया भैया, भाटिया आप आपका नाम कैसे? है ना पूरा? हाँ अहमदाबाद में अरे मिले थे ना वाह, आप तो बाहर, तो हाँ कैसे हैं आप? ये कैप भी है मेरे पास, सिग्नेचर वाली, आज आज अरे वही पहनी है मैंने। वाह, कैसा लगा चैंटिंग करके भाई? बहुत बहुत ही खूबसूरत फील फील हाँ, हुआ। पहले भी आपने ट्राई करी कभी ये चैंटिंग? हाँ मतलब हमारे घर में जब कृष्ण जन्म भजन होता है और वो सब होता है ना, तो करते क्या बात है, तो डन हैप्पी भाई, अब से आप भी कोशिश करना है इसको डेली रेगुलरली करने की, है ना। बस चैंट करना है और सुनना है, बस बोलना है और सुनना है। इनफैक्ट मैं एक लिंक भी शेयर करूंगा सबके साथ में, या तो मैं किसी एक को, जैसे मैंने यशु को भेजा था, तो मैं किसी को भी भेज दूंगा लिंक, जिसके साथ में आप उसको प्ले कर सकते हो सबके सब उस ऑडियो को, और उसके साथ में आप चैंट कर सकते हो, तो वो भी बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है? और आप कब आ रहे हो गुजरात वापस? अभी तो लॉकडाउन है, अभी मत बुलाना मुझे। अभी तो किसी को भी बुलाओगे गुजरात ना तो तुमको भी खतरा है और उसको भी खतरा है, तो मैं तो अभी यही यही कह रहा हूँ कि जो जहां भी है ना बस बैठे रहो, एक बार एक कोरोना निकल ये गया ना, लॉकडाउन, हाँ उसके बाद हाँ आओ एक बार। पक्का, नहीं तो आप आओ जयपुर, मैं आपको टेम्पल लेकर चलूंगा, जैसे मैंने हंस भाई को बताया, मस्त अपन चैंटिंग करेंगे, हाँ प्रसादम पक्का, खाएंगे और खूब सारा सिंगिंग और डांसिंग करेंगे। ठीक है? कृष्णा को फील करेंगे। बिल्कुल ठीक है हैप्पी, तो आप तो ऑलरेडी हैप्पी वो लग एक रहे हैं मुझे। मैंने एक लाइन हाँ पढ़ी थी हाँ कौन सी? मैंने एक लाइन पढ़ी थी कहीं पे, कि प्रेम को अगर एक नाम लिखो तो सिर्फ राधे श्याम लिखो, तो वो एक बहुत ही अरे खूबसूरत वाह, लाइन। क्या बात है, बहुत प्यारा बहुत प्यारा। ठीक है, तो डन हैप्पी भाई, फिर अपन वापस से जल्दी बस आप बात करते भी हैं। अपना ठीक ख्याल रखें और ऐसे ही लाइव। ठीक है ठीक है, चलो राधे राधे। है? ओके राधे राधे। तो मैं आप सबको भी बताना चाहता हूँ कि ये जो सेशंस है ना इस तरह के, मैं सोच रहा हूँ अपन रेगुलरली ऐसे करते रहें, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आज हो रहा है, मैं कोशिश करूंगा इसको हर वीक में किसी ना कभी एक ना एक बार तो अपन करें करें साथ में। ठीक है? तो अब दीवू मुझे नाम दिख रहा है, DIVU। दीवू आप अपना अनम्यूट कर सकते हैं ऑडियो वीडियो चाहे तो। दीवू मैं आपका पहली बार नाम सुन रहा हूँ, दीवू कौन है? चैट में बताओ मुझे सब, दीवू दीवू कौन है? DIVU, आप सब तो जानते होंगे इनको। हनी हनी है डीवू? DIVU, नहीं, मेरा हनी शी के इज नाम माई से ही फ्रेंड। है। अच्छा तो ये DIVU कौन है? DIVU ने नहीं बस किया ऑडियो अनम्यूट और वो म्यूट, तो हनी आ गए हैं। हनी कैसे हैं आप? अरे वाह, वेट कर रही हूँ कब जल्दी से ये लॉकडाउन खत्म हो और फिर आप बैंगलोर आए एंड वी कैन गो टू इस्कॉन। इट्स अरे वेरी वाह, ब्यूटीफुल, वेरी वेरी। बहुत आई वेंट देयर एक बार हाँ एंड बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है वो, और बहुत ज्यादा पीसफुल। आई मीन मुझे मन ही नहीं हो रहा था कि वहां से वापस आना है, बट मेरे घर से काफी दूर है, सो आई हैड टू कम बैक अर्ली। बैंगलोर तो अभी आप कहाँ पर हैं? बैंगलोर में जी में? और चैंटिंग कर रहे हैं आप फिर?
हाँ, व्हेनेवर आई एम गेटिंग एनी टाइम, मतलब कुछ भी करते हुए आई एम फॉलोइंग इट. आपने जो मुझे लिंक भेजी थी, दैट इज सो गुड. मतलब उसमें म्यूजिक नहीं है, देन ऑल्सो इट इज सो गुड. जब भी उसको सुनो तो ऐसा लगता है कि यार इसको बजने ही दो, इसको क्यों ही बंद करना है. बट बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली वो यूट्यूब का लिंक है, तो जब भी कुछ और नोटिफिकेशन आते हैं तो बंद करना पड़ जाता है. बट तो इट्स इट्स वेरी गुड. मैं ना ढूंढूंगा कि अगर उसकी किसी गाने वाली जो एप्लीकेशन होती है ना, उसमें अगर कहीं पे होगा उसका लिंक, तो मैं वो आप सबके साथ में शेयर कर दूंगा, तो आप वो उसे फिर ऑटोमेटिकली सुन सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल. ओके हनी, चलो, नाइस टॉकिंग टू यू, सेम यार. बाय, राधे कृष्णा. बाय, हरे कृष्णा। तो DIVU अगर आप कर सकते हैं, आपका अनम्यूट म्यूट। हाँ, DIVU DIVU बोलना पड़ रहा है। दीवू दीवू कहूँ या डाइवू कहूँ, क्योंकि मैं क्या पहली बार आपका नाम सुन रहा हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा अलग लग रहा है। DIVU, हाय, हाय, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? दीवू ही है, मेरा नाम दीवू ही है. अच्छा, हाँ, दीवू। तो आप नए मेंबर हैं क्या अपनी कपकेक फैमिली के? नहीं, मैं मार्गी की बेस्ट फ्रेंड हूँ. अच्छा, मार्गी के बेस्ट फ्रेंड है। तो आपने चैंटिंग ट्राई करी थी? नहीं, कुछ भी ट्राई नहीं किया. उसने ऐसे ही मुझे लिंक भेज दी और बोला कि तू ज्वाइन हो जा, ज्वाइन हो जा, तुझे मोहित से बात करनी थी ना, तो ज्वाइन अच्छा हो जा. आपकी आवाज एकदम से कट हो गई डीबू। जवाब हाँ यार, नेटवर्क इशू है. हाँ, मैं एकदम अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? केम से केम छो केम छो बहुत बोलते हैं क्या? मजा आ छू हाँ, गेम छो. बस केम छो। सो अच्छा लगा मजा आ. दीपू। तो अगर अगर टाइम बचाना, तो लास्ट में हम सब वापस से थोड़ी चैंटिंग करेंगे। तो अगर आप तब तक ऑनलाइन रहते हैं, तो आप हमारे साथ में जरूर ट्राई करना। और अगर आपको अच्छा लगे, डेफिनेटली अच्छा लगेगा ही लगेगा, ये मैं मतलब आजमा चुका हूँ मेरे सारे दोस्तों पे। तुम सब क्या है, तुम सब पे आजमाने से पहले ना मैंने मेरे सारे दोस्तों पे आजमा लिया था कि भाई भाई ये करके बता, तुझे भी उतना ही अच्छा लग रहा है जितना मुझे लग रहा है। तो वहां से जब सबसे ओके आ गया ना, ओके एंड टेस्टेड डन, तो मैंने सोचा कि अब मैं फिर सबको बता सकता हूँ। तो ऐसा मैं कर रहा हूँ। तो ठीक है दीपू, अपन फिर हो सका तो अपन नेक्स्ट भी सेशन में जरूर मिलेंगे। आप जरूर आना, ऐसा नहीं कि आप मार्गी के दोस्त हो इसलिए आ रहे हो, पक्का आप पक्का. हम सबके दोस्त हो। ठीक है, नहीं, मैं आपकी तो बहुत बड़ी फैन हूँ. बात थैंक इसी बार हो रही यू, है, लेकिन मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ. टेक थैंक यू, केयर. ओके, टेक केयर राधे दीपू, राधे. राधे राधे। अब दीपू के बाद में कृतिका मुद्गल, आप अनम्यूट म्यूट कर सकते हो आपका। कृतिका मुद्गल, कृतिका आप सुन रहे हो हमें? नहीं, कृतिका आवाज आ रही है का आपको मेरी? हाय, एकदम डन। हाय, कैसे हो आप? मस्त. आप बताओ कैसे हो? अरे वाह, बहुत बहुत अच्छा। आपने चैंटिंग ट्राई करी थी फिर अभी? हाँ, मैं चैंटिंग करती हूँ. मैं अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम वाला करती हूँ. हरे कृष्णा. अब ट्राई करूंगी पक्का, प्लीज ट्राई वे. करना। हाँ, मैं हमेशा करती हूँ ये अच्युतम केशवम कृष्ण अरे वाह, दामोदरम. बहुत अच्छे, ये भी बहुत अच्छा सुकून देता है. जब भी मैं ट्राई बिल्कुल करती हूँ. मैं अभी 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 जस्ट थोड़ी देर पहले, 15-20 मिनट पहले अपने सेशन से पहले ये करी हुई थी. क्या बात है, इसमें भी सुकून. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुकून है। इनफैक्ट अब मतलब, नेक्स्ट टाइम जब भी आप हाँ, आप क्या बोल रहे थे? अक्षय पात्र जाओ तो मुझे भी बताना. मैं भी जयपुर में रहती हूँ. आई विल ऑल्सो अच्छा कम. ठीक है, पक्का। तो आप और हंस और जितने भी अपने जयपुर के मेंबर्स हैं ना, वो सब आ सकते हैं वहां पे। ठीक है, हाँ, ओके, चलो, टेक ओके, केयर. टेक बाय केयर, बाय. बाय कृतिका। अब नेक्स्ट कृतिका के बाद में ल्यूसिफर मॉर्निंग स्टार। ल्यूसिफर मॉर्निंग स्टार, आप अपना म्यूट अनम्यूट कर दीजिए। अच्छा यार, आपका नाम इतना गजब का है दीपक, बताओ, मैं गैस ही नहीं कर पा रहा था कि आप ही हैं क्या बताओ, ल्यूसिफर, ल्यूसिफर तो एक डेविल का नाम होता है। आप तो इतने अच्छे अच्छे हैं, मतलब एकदम सिंपल सोबर इंसान तो कैसा लगा आपको दीपक, कैसा लगा चैंटिंग करके? अरे वाह,
ये आपने पहली बार ट्राई किया था? हाँ, पहली बार कब किया था? हाँ, तो दोनों बार आप, अच्छा दोनों बार आपने मेरे साथ में किया, मतलब तो ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे ऐसा। परफेक्ट परफेक्ट। तो दीपक, अब से आप कोशिश करना कि इसको, चैंटिंग को आप डेली कर सकें, ठीक है? और नेक्स्ट भी सेशन होगा तो अपन और इस पे अच्छे से डिस्कशन करेंगे और अच्छे से चैंटिंग करेंगे, ठीक है? और आपका एनिमेशन कैसा चल रहा है? अच्छा, क्या बात है, आप हमेशा सरप्राइजेस पे भी सरप्राइजेस देते हैं। ठीक है, तो मैं आपके सरप्राइज का वेट करूंगा दीपक, ठीक है? अरे वाह, ठीक है, तो मेरे को आप जरूर बताना। ठीक है दीपक, ओके, सी यू सून ब्रो। अगली अगली लाइफ, अगली जो अपन करेंगे ना ऐसा, उसमें भी आप आना, ठीक है? और चैंटिंग रेगुलरली ट्राई करना हो सके तो। ओके दीपक, चलो बाय। हाँ तो मतलब, हाँ आप बस वो अनम्यूट कर सकते हैं आप, वीडियो वीडियो एंड ऑडियो। तो ल्यूसिफर का हो गया। अब मानसी निगम, मानसी निगम आप अनम्यूट कर सकते हैं ऑडियो वीडियो। हेलो, मैं हाय, कैसे हैं आप? आप कैसे हो? बहुत ही अच्छा। हाँ, मैंने चैंटिंग ट्राई करी एंड एक्चुअली मैं भजन वगैरह सुनती रहती हूँ। मेरी दादी कृष्ण भक्त हैं तो क्या बात मैं है, हमेशा मतलब उनके साथ रहती हूँ और उनके साथ भजन गाती हूँ एंड इट लाइक रियली फील्स गुड। एक बहुत ना सात्विक सा जो कनेक्शन होता है ना, दैट वी कैन फील, मतलब आग से आंसू भी आ जाते हैं कभी कभी भजन सुनते सुनते, बट इट बिल्कुल रियली फील्स गुड एंड आज आपके साथ करके मुझे बहुत अच्छा लगा, लाइक अमेजिंग। अमेजिंग। तो अब से आप कोशिश करेंगे आप डेली, है ना, चैंट करने की हरे कृष्णा महामंत्र? यस 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 यस, पक्का पक्का। ठीक है, अरे वाह, तो मेरा फिर ये लाइव, ये मतलब पूरा सेशन करना सक्सेसफुल हो गया। अगर आप सब ऐसे चैंट कर सकते हैं तो ये एग्जैक्टली समझ लो कि मेरा ये सेशन करना सक्सेसफुल हो गया, ठीक है? क्योंकि मेरा एम यही था कि मैं आप सबको एक बार चैंट जरूर करवाऊं। तो डन, ओके मानसी, चलो फिर इट वाज सी यू इन रियली नेक्स्ट अमेजिंग। सेशन। ओके, थैंक यू, ओके बाय, बाय, टेक टेक केयर, स्टे सेफ, बाय। केयर। तो अब मानसी के बाद में मार्गी जानी। मार्गी, आप अनम्यूट म्यूट कर सकते हैं। हाय, कैसे हाय हो आप? मार्गी, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो? आप तो बहुत हैप्पी लग रहे हो मैं ऑलरेडी, इतनी बड़ी स्माइल आपके फेस एकदम पे। हाँ, आपको देख के स्माइल नहीं आएगी तो और क्या आपने आएगा। चैंटिंग आप ट्राई करी कैसे? फिर? अरे एक्चुअली अभी जब आपका स्टार्ट ही हुआ और मेरा कॉल आ गया तो चैंटिंग के टाइम पे ही कॉल आ गया था तो मेरा बीच में से कट हो गया था, फिर मैं वापस से अच्छा, रीजॉइन हुई। कोई हाँ, बात इस नहीं। वजह तो से अगर यही है। अभी अगर अभी अपना हाँ चलता रहता है ना वीडियो, तो अपन हाँ एंड में भी चैंटिंग करेंगे साथ में, फिर तब आप पक्का से ट्राई करना, ठीक है? हाँ और मैं आपको मैसेज भी करने वाली थी क्योंकि मुझे वो भगवत गीता वाला मंगवाना भी है, तो इसलिए मैं आपको मैसेज भी करने वाली थी, पर उस बीच में पापा को कोविड पॉजिटिव आ गया था, उस बीच में सब रह गया तो अभी तो अब अभी मैं उनकी कर हेल्थ दूंगी कैसी है? ऑर्डर। अभी ठीक है, वो थोड़ा डी डाइमर का इश्यू है पर अच्छा है अभी। कब हुआ था कोविड? रिसेंटली हुआ है? ठीक हाँ, अभी 15 days अगो। है, मेरी भी डैड को मतलब लास्ट लास्ट ईयर हुआ था सितंबर में, और उनके भी सेम ये डी डाइमर की थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, पाँव में स्वेलिंग हो गई थी। हाँ, तो वही हो रहा फिर है। हाँ, तो इनफैक्ट चलो आप फिर अच्छे से उनकी केयर करना। और मैंने सुना है ऐसा कि मतलब अगर आप लहसुन खिलाते हैं तो लहसुन से वो क्या है, ब्लड क्लॉट्स वगैरह हाँ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, तो आप वो भी ट्राई कर हाँ सकते वही हैं। वही गार्लिक और जिंजर ज्यादा देते हैं उनको, मैंने बहुत भी सही, पढ़ा था कहीं पे। ठीक है, और डन ये सब मारगी। सही तो होते ही मैं आपको एड्रेस सेंड करूंगी, तो मुझे भी मंगवानी है भगवत गीता एज इट इज, तो आप भेज देना ठीक है, मुझे, ठीक पक्का। है? और इनफैक्ट बाकी सब आप ठीक है ना? कोशिश एकदम मस्त है, आप कोशिश करना।
अगर अभी हम लास्ट में चैंटिंग कर पाते तो आप हमारे साथ में करना, और फिर अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप उसको कंटिन्यू भी करना, ठीक है? हाँ हाँ पक्का। ओके चलो बाय मार्गी। थैंक यू, बाय। यू आर मोस्ट वेलकम। बाय। हाँ बाय। तो मार्गी के बाद में अब है मुस्कान गोयल। मुस्कान गोयल आप आपका अनम्यूट कर सकते हैं ऑडियो वीडियो। हेलो, हाय मुस्कान, कैसे हैं आप? हेलो मोहित, कैसे हो? एकदम अच्छी हूँ। मैं दिख रही हूँ क्या? नहीं, आपका आप सिर्फ ऑडियो आ रहा है। एक सेकंड। शूट, कोई ना, कैसे हो? अभी हाँ अभी आ रहा है आपका। मैं एकदम अच्छा हूँ। अरे आप तो क्यों है ना, आप महाशय मुस्कान फ्रेंड आए थे वहां पे सिलीगुड़ी में, राइट? ट्राई किया आपने, चैंटिंग ट्राई किया? हाँ जी बिल्कुल ट्राई किया, बहुत कैसा अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत। आपने पहले पहले ट्राई किया इसको कभी? नहीं, इसको कभी नहीं किया ट्राई, ये फर्स्ट टाइम। थैंक यू, अभी मैं रोज करूंगी, मैंने सोच लिया। ठीक है, एटलीस्ट वंस पक्का करूंगी। हाँ पक्का, मतलब जितना बस आपको जब भी टाइम मिले, या टाइम नहीं भी मिले ना, आप कहीं ट्रैवल भी कर रहे हैं, आप बिजी भी हैं, या बस इसको चैंट करो और कोशिश करना बस सुनने की। और ये अपना जो काम है ना, वो इनर पीस और हैप्पीनेस देने का, ये वो निभा देगा, मतलब। तो इतनी अमेजिंग चीज है। इससे पहले कि टाइम निकल जाए, प्लीज दो लाइन सुना दो ना मेरे को, कृष्णा से जाके कह दूंगी, मैं कब से वेट कर रही हूँ लाइव सुनने का। ठीक है, तो इनफैक्ट आपको और आप सबको सुनाता हूँ मैं थोड़ा सा, कैसे कि कृष्णा से जाके कह दूंगी तुम हो मोरे सैया, मोरे सैया। कान्हा को जाके कह दूंगी तुम हो मोरे सैया, मोरे सैया। थैंक यू। थैंक यू, आई लव दिस सॉन्ग। पता है मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ तो मैं सबसे पहले ये गाना सुनती हूँ, जिस दिन से ये रिलीज हुआ उस दिन से एवरी डे सुबह सुनती हूँ मैं ये गाना। क्या बात है, थैंक यू सो मच मुस्कान। तो आपको लाइव कोशिश करना, अब आप कोशिश करना कि जब भी आप मॉर्निंग पे उठो तो सबसे पहले आप ये चैंटिंग करो, ठीक है? आपको और अमेजिंग फील होगा। मैं तो इनफैक्ट ये करता हूँ, मतलब मेरा सबसे पहले जब मैं उठता हूँ ना अब, तो मैं इसी मंत्र को थोड़ा चैंट करता हूँ ताकि वो मॉर्निंग में एक वाइब मिल जाए अलग से, बहुत बहुत ही पीसफुल सी। फिर उसके बाद में फिर बाकी पूरा दिन ही फिर पीसफुल जाता है। तो आप भी कोशिश करना ऐसा, आई थिंक आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। तो ठीक है, आपका और हमने फिर ऐसा कभी नहीं होगा। नहीं, ये बहुत बहुत मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप सब चैंट करेंगे तो, और आपको बहुत अच्छा लगेगा, मतलब मुझे जितना अच्छा लगेगा ना उससे ज्यादा, यू विल फील दैट हैप्पीनेस। और एक्चुअली मैं इसीलिए मतलब बताना चाह रहा था, क्योंकि जब होता है ना कि बहुत ज्यादा हैप्पीनेस आपके अंदर भर जाती है, ठीक है, तो आपको चाहिए होता है कोई उसको बांटने के लिए कि अरे भाई तेरे को पता है मैं क्यों हैप्पी हूँ इतना भाई, इसलिए। तो मेरे साथ में ऐसा ही हुआ जब मैं, क्योंकि मैंने आपसे बताया ना, मैं 7 महीने से इसको प्रैक्टिस कर रहा था, पर 7 महीने से वो हैप्पीनेस अंदर बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और फिर मैंने कहा कि अब मैं फट जाऊंगा, तो मुझे क्या है पहले औरों को भी ये बम पकड़ाना है हाथ में कि भाई तुम भी ये लो, अब तुम भी मजे में लो। तो ऐसा ठीक है मुस्कान, अब हम बाकियों के साथ में और कर, हाँ यू मोस्ट वेलकम। तो अब गुड नाइट, अब नंदिनी भट्टर, हाँ डन। नंदिनी भट्टर आप अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो, जय श्री कृष्णा, कैसे हैं आप नंदिनी? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो भैया? एकदम शानदार। एक मिनट नंदिनी, आई थिंक किसी का कुछ मैसेज आया, फट रही क्या वॉइस? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या है। सभी साथ फटने वाले हैं भाई के साथ। अच्छा ओके ओके, मुझे लगा आवाज फट रही ऐसा कुछ लिखा होगा आपने, तो मैं वो चेक कर रहा था। ठीक है, तो नंदिनी आपने चैंटिंग ट्राई करी अभी हम सबके साथ में? हाँ भैया मैंने की, मैंने एक्चुअली लाइव सेशन जब हुआ था ना तब से मैं कर रही हूँ कंटिन्यू चैंटिंग। क्या बात है, तो आप तब से चैंटिंग कर रहे हैं कंटिन्यूअसली डेली, कितने टाइम करते हैं आप रोजाना? मैं सुबह और शाम को करती हूँ,
मैं पहले ओम की चैंटिंग करती थी, बट देन ये शिफ्ट किया तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा था उस दिन जब ट्राई किया, तो फिर मैं तब से सुबह शाम रोज करती हूँ। और कैसा फील हो रहा है आपको, एकदम सच सच बताना। बहुत रिलैक्स, मतलब ऐसे कॉलेज वगैरह लेके थोड़ा ऐसे स्ट्रेस था, एग्जाम्स थे, बट जब भी ये करते, और उसके बाद मैंने थोड़ा डिसीजन किया शिव अमृत वाणी सुनती हूँ मैं, तो वो सुनने के बाद ऐसा लगता है सुबह और शाम पूरी कंप्लीट हो गई है मेरी, इतना पीछे। क्या बात है, बहुत बहुत सही। तो नंदनी ये तो आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, आप तब से अगर अभी तक चैंट कर रहे हैं डेली, तो मतलब आप तो ऑलरेडी आगे निकल चुके हैं हम सबसे, ये तो चीटिंग हो गई। तो ऐसा कुछ नहीं है, बट मेरे घर पे एक्चुअली बहुत ज्यादा रिलीजियस है, तो मेरे घर पे लाला है छोटे लड्डू गोपाल, तो उनके लिए हमारे घर पे सुबह ही फ्लूट की आवाज से होती है, पूरे फ्लूट म्यूजिक बजता है, सबको पता चला भुट्टे का टाइम है, तो हमारे घर पे है ही पहले से। और अब किया तो और अच्छा लगा कि मतलब मेरे जैसे और भी लोग हैं जो कर रहे हैं, इससे काफी अच्छा फील हुआ। परफेक्ट। तो नंदनी अगर आप अभी लाइव में रहते हैं और अगर ये वीडियो तब तक चलता रहता है, तो आप भी ट्राई करना एंड में भी चैंटिंग करने की, और आप ऑलरेडी कर रहे हो तो आप करते रहो। और भी आपकी जो भी दोस्त लोग है ना, वो कौन सी मूवी थी सलमान खान की कि ऐसा कुछ था ना कि ऐसा करो कि ना अपने से तीन किसी और को भी बताओ, क्या डायलॉग क्या था वो याद है किसी को? हाँ, कि अगर मुझे थैंक यू मत बोलो बट तीन लोगों की हेल्प कर दो, जय ओम। हाँ, जय ओम में था, तो ऐसा ही है सेम। तो इस चैंटिंग को बताने के लिए थैंक यू मत कहो, ठीक है, बस तीन लोगों को और बता दो, तो ऐसा करना। तो नंदिनी बहुत अच्छा लगा कि आप ऑलरेडी कर रहे हैं चैंट। तो एक रिक्वेस्ट है, अब लॉकडाउन खत्म होता है उसके बाद अब प्लीज जल्दी कोलकाता आ जाओ, क्योंकि दो बार तीन बार आप आए, हम लोग मिल नहीं पाए, हम और पापा भी बहुत चैट थे, हम लोग नॉकटन में भी नहीं मिल पाए, और राजदानिया में भी आप आए थे, मैं तब भी नहीं मिल पाई थी, तब मैंने गिफ्ट सिर्फ भैया को दे दिया था, मुझे ऑटोग्राफ मिला था आपका, बट मुझे बहुत मन है मिलने का। पक्का डन नंदिनी, तो अब मैं जब भी नेक्स्ट कोलकाता आऊंगा ना, प्रे करना मेरे लिए कि मैं मायापुर धाम जाने के लिए कोलकाता आऊं, तो मैं इनफैक्ट आज से बहुत प्यारी जगह है वो, मतलब मेरी फेवरेट हो चुकी है, एक तो वृंदावन और मायापुर, श्री मायापुर धाम, तो ये दोनों अभी मेरी फेवरेट प्लेसेस हो चुकी हैं, तो मैं वहां पर ऐसा लगता है कि भगवान जी के पास आ गए हो आप, एकदम ऐसा लगेगा कन्वर्सेशन कर रहे हो आप उनसे, मतलब पूरा वैकुंठ प्लैनेट लगता है मुझे वो जगह, मतलब वहां पे सब इतने डिवोटीज है ना। इनफैक्ट मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, मायापुर धाम इतनी प्यारी जगह है कि वहां पे जो रिक्शे वाला भी जो है ना, रिक्शा चलाने वाला भी आपको चैंटिंग करता हुआ मिलेगा, उसके माथे पे तिलक होगा, गले में तुलसी माला होगी, वो कहेगा हरे कृष्णा, और हर कोई मतलब इतना हर कोई इनफैक्ट वहां पे डिवोटी मिलेगा आपको, ऐसा लगेगा कि हर कोई भक्त है और बहुत ही प्यार से हर कोई ट्रीट करता है आपको, तो इतना फ्रेंडली, इतना इतनी खूबसूरत जगह ना आपको शायद कहीं नहीं मिलेगी। तो मायापुर धाम अगर आप कभी जाएं, अगर हो सका, काश अगर कान्हा जी ने चाहा तो हम सब साथ में कभी चलेंगे, तो बड़ा अच्छा लगेगा। ओके नंदिनी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत अच्छा लगा ये जान के कि आप ऑलरेडी चैंटिंग कर रहे हैं, तो आप प्लीज इसको कंटिन्यू रखना और कोशिश करना इस हरे कृष्ण मंत्र की चैंटिंग को आप और इंक्रीज कर पाए, है ना, जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आपको और अच्छा फील होगा, ठीक है? थैंक यू भैया, यू आर मोस्ट वेलकम, बाय नंदिनी, बाय भैया। तो अब नंदिनी के बाद में नेम है पल्लवी चौहान का, पल्लवी चौहान आप आपका अनम्यूट कर सकते हैं ऑडियो वीडियो। हाय क्यूटी पाई, हाय पल्लवी, कैसे हैं आप? पल्लवी मुझे एक मिनट देना है ना, मैं एक मिनट में आया, प्लीज एक मिनट जी। हर्ष मेरा आ गया, मेरा आ गया, अभी वो कहीं गया है। हाय मोहित, हाय पल्लवी, मैं एकदम अच्छा हूँ, आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया, आपको देख के और ज्यादा बढ़िया। अरे वाह, चैंटिंग ट्राई करी आपने हम सबके साथ में? फिर
हाँ एक्चुअली मैं अभी कुछ दिन पहले ना मैं मेडिटेशन ट्राई कर रही थी, तो मतलब हो नहीं रहा था वो 5-7 मिनट ऐसे हो ही नहीं पा रहा था। फिर मैंने तानिया दी से बात की अपनी, है ना तानिया दी, तो उन्होंने मेरे को चैंट भेजे, ओम वाले चैंट भेजे, तब से मैं वो थोड़ा थोड़ा ट्राई कर रही थी, तो मतलब मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा था। फिर ये एक नई चीज आपने बताई तो अब मैं इसको ट्राई करूंगी। हाँ प्लीज आप इसको जरूर ट्राई करना, और अगर आप रहे वीडियो में तो एंड में भी हम सब, जैसा मैंने बताया ना सबको कि हम हाँ जी कोशिश बिल्कुल करेंगे एंड में भी करने की, तो आप कोशिश करना हो, ठीक है? जी जी बिल्कुल। ओके बाकी सब पल्लवी, ठीक है कृति बाय। एकदम एकदम परफेक्ट है, ठीक ओके एक क्वेश्चन बोलना, है? एक तो मेरा नेक्स्ट, क्वेश्चन है कृति बाय, हाँ हाँ अभी प्लीज अभी बताइए। आईपीएल चल रहा है तो आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? थोड़ा ऑफ मैं तो बीट है बट मैं देख ही नहीं रहा आईपीएल। इनफैक्ट मतलब जितने भी ऐसे सोर्सेस ऑफ एंटरटेनमेंट्स थे ना, अब उनकी भी जरूरत इसलिए पड़ती है कि हमको टाइम पास चाहिए होता है, या मतलब कुछ एंगेजमेंट चाहिए होता है बेसिकली, कि यार कुछ तो फन मिले लाइफ में। तो ये जी जब मैंने चैंटिंग शुरू करी ना, तो मुझे बाकी सब फन एकदम, मतलब फन फन गायब हो गया। मतलब कि ये क्या फन है, ये दो मतलब एकदम कि यार यार ये इन सब में कोई टेम्प्रेरी मजा नहीं है। हाँ इन सब में कोई मजा नहीं है, जो रियल हैप्पीनेस है, जो रियल मजा है, वो इस चैंटिंग में आ रहा है मुझे। तो मैं तब से फिर क्या, मैंने आईपीएल देखा ही नहीं। इनफैक्ट मेरे को बहुत सालों 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 हो गए आईपीएल देखे हुए। वाह लेकिन क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ, तो मैं हमेशा से राजस्थान को बेवजह सपोर्ट करता था, हालांकि उसमें राजस्थान के कोई प्लेयर्स नहीं है, तो फिर भी तो ऐसा ही था। आप किसको सपोर्ट करते हैं? मैं आरसीबी को बिकॉज ऑफ विराट कोहली। अरे वाह, तो विराट कोहली तो अभी सबके फेवरेट है इंडियन टीम में। पहले MS धोनी थे, फिर विराट कोहली जी हो गए, तो परफेक्ट। ऑल द बेस्ट आपको और RCB को मेरी तरफ से, थैंक यू ठीक है? कृति बाय, थैंक ओके यू कृति बाय, थैंक पल्लवी, बाय, गुड यू बाय, गुड नाइट। नाइट। आप पल्लवी के बाद में राहुल चौहान, राहुल चौहान आप आ सकते हैं अभी, अनम्यूट कर सकते हैं आपका ऑडियो वीडियो। सबसे लास्ट में तक वाई वाई वालों के नाम है। तो अभी मुझे पता चला वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से है। तो यश काला, यशिता और युवराज, आप तीनों को ना बहुत वेट करना नहीं पड़ेगा, अभी कुछ ही लोग बचे हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स में। राहुल चौहान आप हैं ऑनलाइन? नहीं, राहुल चौहान आई थिंक अभी अवेलेबल नहीं है। स्वाति दंगवाल, स्वाति आप अनम्यूट म्यूट कर सकते हैं आपका ऑडियो वीडियो अगर आप अभी ऑनलाइन है तो। हेलो भैया, हेलो, कैसे हैं आप स्वाति? बढ़िया भैया, आप कैसे हो? बहुत ही अच्छे। आपने चैंटिंग ट्राई करी हम सबके साथ में, कैसा हाँ किया भैया, बहुत सुकून लगा मिला, आपको? बहुत हाँ ज्यादा, जो सुबह से जो स्ट्रेस होता है वो सारा एकदम दूर, बिल्कुल अरे नहीं। वाह। तो आपको ना आपसे डेली ट्राई करना है, ठीक है? अरे बिल्कुल भैया, रोज वाह, आप वो है, आप हैदराबाद में आए थे ना, हाँ जी भैया, सिन सिटी में? हाँ मिले ओ सिन सिटी नहीं, सॉरी, थे लास्ट में वो कर्मा क्लब में, कर्मा क्लब में जो कर्मा क्लब परफॉर्मेंस में था, है ना? एकदम राइट लास्ट में आए। हाँ, और आप अंडर एज थे। हाँ तो मेरे को एंट्री नहीं मिल पाई अरे क्या बात है, बड़ा बट अच्छा इस बार लगा आप यार, आगे तो एकदम आ जाएंगे। पक्का डन। हाँ तो भैया ठीक है स्वाति, आप ध्यान रखना आपका, और अगर नेक्स्ट सेशन हुआ तो उसमें भी आने की कोशिश करना, एंड चैंटिंग आप जी, रेगुलर रखना, ठीक है? ओके चल, बाय, राधे राधे कृष्णा भैया। कृष्णा। ठीक है, अब है तानिया गिरी। तानिया आप आपका अनम्यूट म्यूट कर सक अनम्यूट कर सकते हैं ऑडियो वीडियो। हाँ तानिया भी ऑनलाइन है। मुस्कान कह रहे हैं मोहित, व्हाट आई डू इन अ डे का वीडियो निकालना हाय ना, हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा। अच्छा हाय तानिया, आप आगे कैसे हो आप?
अरे बाप एकदम रे, बढ़िया हूँ अभी। ये कौन सी लाइब्रेरी है पीछे? अरे तानिया आपकी वॉइस एकदम कट हो गई है। बुक शेल्फ है ये सब। क्या मुझे ही तानिया का ऐसे मतलब डिस्कनेक्ट लग रही चीज, या फिर आप सबको भी सेम चीज लग रही है? तानिया अगर नेटवर्क का इश्यू है तो यश काला कह रहे हैं सेम। हाँ तानिया, हम सबको आपका नेटवर्क का वो लग रहा है, थोड़ा अभी सुन प्रॉब्लम प्रॉब्लम। अभी सुन रही है मैं। आई थिंक यश कह रहे हैं कि एक बार आप है ना वीडियो म्यूट कर दीजिए, तानिया वीडियो म्यूट कर दीजिए, तो हो सकता है शायद ऑडियो का सिग्नल अच्छे से आ पाए। तानिया गिरी, उनका कनेक्शन शायद ऑफ हो गया। तो अब वो आएंगे तो हम वापस से बात करेंगे उनसे। यश काला, यश आप अपना अनम्यूट कर सकते हैं ऑडियो वीडियो। भाई, अरे भाई कैसे अरे हो? वाह मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो यश? एकदम बढ़िया हो भाई, एकदम बढ़िया। दिल खुश हो गया आपको देख के यहाँ पर। अरे वाह आपने चैंटिंग ट्राई करी साथ में यश? भाई मुझे लेट हो गया था एक्चुअली, मैं किसी फ्रेंड के लिए वो रेमडेसिविर का वो कर रहा था अरेंजमेंट, उसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। तो आपने कर लिया, अरेंजमेंट हो गया उसका? बहुत मुश्किल हो रही है भाई, मतलब ऑनलाइन सब जगह चेक कर लिया, अवेलेबिलिटी इंदौर में चाहिए था एक्चुअली, तो मैंने एक लीड तो भेजा है, अब वो उठा नहीं रहे हैं। मैसेज का रिप्लाई किया है उन्होंने, हो सकता है मिल जाए होपफुली। अलग अलग जगह से चल रही है चीजें, जितना हो सके मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने उस सब उस पूरे मतलब बिजीनेस में आपने टाइम निकाला अभी इसके लिए ऐसा? हाँ भाई, वो तो जरूरी था, मतलब मौका मिला है कि भाई से बात करने का। भाई कहाँ है, कैसे है, क्या कर रहे हैं, कुछ अता पता नहीं है, तो जरूरी था। भले अच्छा 15-20 मिनट के लिए सही कतार में बना रहना पड़ा, क्योंकि भाई भगवान ने मतलब घर वालों ने नाम यश दिया है, तो लास्ट में रहना पड़ा तो यश आप, आई होप यार आपको वो रेमडेसिविर का हो जाए अरेंजमेंट सारा, और आपके फ्रेंड को या उनके रिलेटिव जिनको भी वो जरूरत है वो हो जाए पूरी। और आप अगर अभी रह सके ना, मैं आपसे कहूंगा तो नहीं रहने के लिए, क्योंकि हो सकता है आप अभी ऑलरेडी उस चीज में लगे हुए ढूंढने के लिए। तो अगर आप रहते हैं तो आप लास्ट में प्लीज हम सबके साथ में जरूर थोड़ा चैंटिंग ट्राई करना, आपको बहुत बहुत अच्छा फील होएगा। ठीक है 100% भाई, मुझे एक्चुअली जरूरत भी है। एक महीने से कुछ ये स्ट्रेस भरे माहौल में मुझे भी काफी स्ट्रेस हो गया है, तो मुझे चैंटिंग की, मेडिटेशन की, योगा की बहुत जरूरत है। तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा एंड तक रहूं। फिलहाल मैंने अभी लीड दे दी है, तो शायद मुझे दोबारा रिकनेक्ट ना करना पड़े, तो मैं डेफिनेटली रहूंगा भाई। आप कैसे, घर पर सब ठीक पक्का, है? आपकी तबीयत अगर तो बढ़िया है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। इनफैक्ट मैं सिमिलर, चलिए इसी जब से कोरोना हुआ ना, तो आई थिंक सिर्फ आप और मैं नहीं, हम सब जितने भी लोग हैं ना किसी तरह से एक ना चाहते हुए, एक कह सकते हैं ना अनइनवाइटेड स्ट्रेस के अंडर में आई गए, करेक्ट किसी का करेक्ट किसी रीजन की वजह से, किसी का किसी और रीजन की वजह से। तो जब से फिर मैंने ये चैंटिंग ट्राई करी ना, तब से अब आपको तो पता है, आप आए हैं मेरे घर पे ना वहां पे मुंबई में, तो आपको पता है कि मेरे को हाँ, मेडिटेशन का कितना बिल्कुल शौक शौक था। लेकिन जब से ये चैंटिंग मेडिटेशन आई ना लाइफ में, तो पता चला कि मतलब रियल स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, और करेक्ट दिस इज नेक्स्ट लेवल। मतलब गेम्स में अपन लेवल करते ना, पबजी आपने खेला है कभी? तो नहीं, पबजी पबजी में नहीं, लेकिन भाई इंस्टाग्राम की आदत ज्यादा हो गई है, तो हुआ हटा नहीं है अच्छा, तो पबजी में खेलता था एक टाइम पे जब वो आया था ना, थोड़ा मैंने खेला था। उसमें क्या लेवल अप होता है कि मतलब पहले आप ब्रॉन्ज पे होते हैं, फिर गोल्ड पे जाते हैं, सिल्वर पे, ऐसा प्लैटिनम,
तो ये क्या है, ये सबसे हाईएस्ट लेवल का मेडिटेशन है, जो चैंटिंग मेडिटेशन है। तो ये क्या है, ओके हाईएस्ट लेवल अपन ने अनलॉक कर दिया है, और अनलॉक करने के बाद में फिर मेरी इच्छा हुई कि ये मैं सबको बताऊं भाई कि ये कहाँ कहाँ तक, कहाँ छुपा हुई थी ये चीज इतने टाइम से। मैं करूंगा भाई 100%। आप अगर एंड तक सेशन में आप करवाने का अगर हमको टाइम मिलेगा तो मैं डेफिनेटली ज्वाइन करूंगा और फॉलो भी करूंगा 100%। पक्का डन। तो ओके यश, फिर अपन नेक्स्ट सेशन में ही मिलेंगे, ठीक है? बिल्कुल भाई बिल्कुल, आप ख्याल रखिए क्या अपना कहते और हो सब न्यूज़ कुछ। चैनल में जैसे हाँ भैया, हाँ पक्का न्यूज़ चैनल में कहते हैं ना, आप बने रहिएगा। तो दर्शकगण बिल्कुल प्लीज बने रहिएगा, और अब हम चलते हैं भाई, हमारे नेक्स्ट रिपोर्टर की तरफ। बिल्कुल भाई, हैप्पी महावीर जयंती सबको, स्टे सेफ, आपको भी टेक केयर भाई। ठीक है, ये अब नेक्स्ट है, अपने नेक्स्ट रिपोर्टर है अपने यशिता जी। यशिता आप प्लीज अपना ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए, हाय ऑडियो मोहित, वीडियो। हाय, कैसे हैं आप? मस्त, आप कैसे हो? बहुत ही अच्छा, फाइनली एक बात आपने चैंटिंग बताओ, ट्राई पहले कर आप ली। भेजते थे तब हम शायद थोड़ा आलस करते थे वीडियो देखने में या सुनने में, बट आज के आपके सेशन के बाद वी आर डेफिनेटली डूइंग इट एवरी डे। एंड हम और 3 लोगों को भी हाँ बोलने वाले ये करने, फॉर श्योर। जय हो यस डेफिनेटली, कभी कभी आलस कर लेते हैं वो करने में, बट आज के सेशन वाज मच नीडेड, मतलब इसके बाद तो वी आर डेफिनेटली डूइंग। ठीक है डन। तो अभी भी आपको मतलब इसके बाद भी करना है और अभी लास्ट तक में भी करना है। अब आपके वाई के डन, बाद में ना एक बहुत लंबी कतार लगी हुई है, ठीक है? तो यस एंड यस, द नेक्स्ट टाइम यू कम मुंबई बिफोर सिन सिटी वी आर गोइंग इस्कॉन फॉर श्योर टुगेदर, बिफोर पक्का सिन सिटी। पक्का, पर वो तभी जब आप चैंटिंग करोगे डेली। मुझे नहीं पता, अगर आप हाँ ये प्रॉमिस चलेगा, करो। डन हाँ डन पक्का, ओके आज के सेशन के बाद डन। डन। तो अभी फिर अपन यशिता वापस से फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, और यस अभी लास्ट में सब साथ में मिलकर चैंटिंग करेंगे, ठीक है? ओके, टेक केयर ओके, टेक मोहित, बाय। केयर, बाय। अब युवराज सिंह राजपुरोहित। युवराज भाई आप अनम्यूट कर सकते हैं आपका ऑडियो वीडियो। युवराज आप हेलो, ऑनलाइन हैं? यस यस, आवाज आ रही है? अरे वाह, कैसे हो युवराज? कितने साल बहुत पहले मिले थे बढ़िया। अपन, हैं वहां व्हेन अपने आई वाज इन 12th, था 12th में था, और उसके पहले तब आप 10th के बोर्ड आईआईटी की एग्जाम। ट्रेनिंग कर रहे थे ना? यस यस, क्या बात है। और अब आप अभी कहाँ पर हैं? आप घर पे हैं? हाँ मैं घर पे ही हूँ अभी। कहाँ, मुंबई में? हाँ, मुंबई में थाने। यस अरे वाह, चैंटिंग करी आपने, ट्राई करी युवराज आज? यस यस, आज मैंने ट्राई किया। एंड ये आपने जो बताया जो आज, इसके अलावा मैं ऑलरेडी पहले भी लाइक करता था, जो मंत्र ये था लाइक श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये जो एक ऐसा है मतलब लाइन जो मतलब कभी भी दिमाग में आ जाता है दिन में मेरे, और मैं वो चैंट करने मतलब लग जाता हूँ। और लाइक ऐसा कोई नहीं है कि हाँ मुझे ये टाइम पे बैठ के करना है, कभी भी मन में आ जाता है तो मैं हमेशा ये लाइन बोल देता हूँ। लाइक आप जैसे आपने कहा कि आप भले ही वॉशरूम में हुए हो, मैं वो 2 दिन पहले ना भी रहा था तभी भी मेरे मुंह से डायरेक्ट निकल गया। एंड देन आई रियलाइज कि मम्मी बोल रही है कि तू नहाते टाइम भी क्या चैंट कर रहा था ये मतलब परफेक्ट, बार बार एग्जैक्टली बोल, और एक दो बार तो ऐसा भी हो गया कि मैं मतलब इतना ज्यादा बोलते रह गया कि मतलब फिर घर पे ही बोलने लगे, अरे कितने बार यही सेम लाइन बोल रहा है। एकदम बट वो एक परफेक्ट। है मतलब। कैसे हो आप? मैं बहुत ही अच्छा, और आप सबसे बात करके मेरे को और अच्छा लग रहा है। एंड जब लाइक जब आपसे मिलना आया था ना वो टाइम पे, तो कैसा, थाने से बहुत दूर था ना, और लाइक वर्सोवा, आई ट्राइड फॉर आईआईटी बट उसमें नहीं हो पाया। ऑल इंडिया रैंक लाइक माय 21,000 था, एंड बट नेवर द लेस आई गॉट एन इंजीनियरिंग कॉलेज इन विले पार्ले इटसेल्फ। तो तब से मैं हमेशा सोचता क्या था कि बात है, थर्ड ईयर में हूँ अभी, तो इंजीनियरिंग केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। एंड तब से मैं हमेशा सोचता था मतलब कि या मेरा फोर्थ ईयर जैसे ही कम्प्लीट होगा तब, लाइक अभी तो बहुत बाजू में मोहित भाई कहीं पे, अभी तो तभी इनसे बिल्कुल पक्का मिल जाऊंगा। बट फिर वो अभी ये अनअवॉइडेबल सरकमस्टेंस आ गया अचानक ही, तो अभी कुछ कर ही नहीं पाए उसमें भी। और अब फाइनली इस तरह से मिल रहे हैं, बताओ। ये वैसे तो मतलब
आप तो मुझे अभी देख रहे हो, मैं तो मतलब आपको देखते आ रहा हूँ जब भी आप इंस्टा पे आते हो, चैंट करते हो तब लाइव, अभी मतलब हमेशा चैंट भी किया हो साथ में, एंड आज तो वापस फिर से आपने जो बताया वो किया चैंट, एकदम हैप्पीनेस इज ऑन लाइक अनदर लेवल व्हेन वी चैंट दिस। एंड रिसेंटली ना मैंने एक्चुअली यही अभी मैं एक्चुअली बहुत स्ट्रेस आउट हो गया था बीच में, लाइक मुझे मास्टर्स के लिए भी अप्लाई करना एंड ऑल ना, सो मैंने महाभारत देखना शुरू किया था। सो उससे मुझे जब इम्पोर्टेंस पता चला ना जो लाइक कृष्ण भगवान जी का, वहां से मैंने भगवद गीता भी पढ़नी शुरू कर दी। लाइक फर्स्ट चैप्टर पढ़ा जो संजय और धृतराष्ट्र के बीच में था वो, एंड देन कर्मयोग भक्ति योग ये सब जो योग है वो, उनके बारे में मुझे एक रफ आइडिया आ गया था महाभारत से। देन लाइक वो सर पहले इस महाभारत देखने से पहले मुझे ऐसा लगता था कि हाँ मैं ये पढ़ूंगा, जरूर पढ़ूंगा ये मैं, बट वो कभी वो मतलब फ्रेम ऑफ माइंड नहीं हो पाता था। एंड अभी मैं नहीं भी सोचता हूँ तो भी मैं रात को कोई भी वर्ड्स पढ़ के लाइक मीनिंग पढ़ने लग जाता हूँ उसमें से, तो वो एक डेवलप हो जाता है अंदर ही हैबिट, एक मतलब एक कैसा है कि कह सकते हैं कि जैसे एक लाइन था कृष्ण भगवान जी ने वही कहा कि एवरीथिंग मतलब अराउंड यू इज परमात्मा, लाइक कोई भी चीज ले लो हर एक जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है। तो ये लाइन मुझे जैसे ही जो एकदम अलग लेवल पे हिट हुई थी जब मैंने पहली बार सुना ये, और मतलब मुझे मतलब समझ गया कि यार ये सब क्या टेम्पररी है। मुझे इसके पहले ये देखने के पहले मुझे लगता था कि हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे लाइफ में ये चाहिए, एंड जब समझ में आ गया कि हाँ ये सब टेम्पररी है, मतलब मोह है, टेम्पररी मोह है ये सब, एंड द रियलिटी लाइज लाइक बहुत मतलब इन सबसे बहुत आ गया। फिर मैं लाइक मैं अभी आपको बुरा लगेगा ये बोलूंगा तो, बट मुझे ऐसा मतलब पहले से लगता था कि क्या मोहित भाई ऐसे कर रहे हैं यार, सोशल मीडिया पे भी आजकल एक्टिव नहीं है ये वो, बट जिस टाइम मैंने खुद ये रियलाइज किया ये चीज, तब मैं आपकी सिचुएशन जो थी वो समझ पाया कि क्यों आप मतलब एक्टिव नहीं हो, क्यों आपने मतलब ये सब चीजें मटेरियलिस्टिक चीजें मतलब पीछे छोड़ दिए। लाइक ये पहले मैं हमेशा मुझे गुस्सा आता था कि यार पीछे रह गए मोहित भाई यार ये ऐसा वैसा, बट जब समझ में आया ये एग्जैक्ट ये 4 साल बाद अभी रिसेंटली 2 महीने पहले, तब मुझे रियलाइज हुआ नहीं यार मैं ही पागल था जो ऐसा सोचता था, ये सब एकदम टेम्पररी चीजें है। मैं बिल्कुल नहीं नहीं मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, और इनफैक्ट आपको ज्यादा बोलने का हक भी है, सबसे ज्यादा वेट भी आपने किया है तो क्योंकि आपका एकदम वाई वाला नीचे से नीचे नाम था ना, तो मैं आपकी बात पूरी अच्छे से समझ रहा हूँ। और इनफैक्ट आपने जो बात कही है ना तो मुझे भी वैसी फील हुई, और कैसा है ना जब मैंने भगवद गीता एज इट इज पढ़ी, आप कौन सी पढ़ रहे हैं भगवद गीता एज इट इज पढ़ रहे हैं यथा स्वरूप या कौन सी पढ़ रहे हैं आप अभी? नहीं मैं इस्कॉन वाला जो वर्जन है वो वाला पढ़ रहा हूँ। हाँ भगवद गीता एज इट इज वही है, एज इट इज नहीं जिसका या तात्पर्य मतलब उसमें भी है वो लाइक बड़ा एक्सप्लेनेशन है काफी उसमें भी, तो वो वाला पढ़ रहा हूँ। अमोघ लीला प्रभु जी ने मतलब उनका एक है वो उन्होंने शेयर किया था एक, तो वो वाला वर्जन मैं कह रहा था कि मेरी दीदी ने आपको मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे वही कि वो आपका वाला जो वर्जन था आप जब, तो शायद आपसे शायद मिस आउट हो गया होगा, तो वो मुझे एक बार बस रिमाइंड कराना था, उसको भी चाहिए थी वो। ठीक है डन, लाइक वर्जन प्रॉपर हार्ड कॉपी या ओके, तो आप मुझे आपका वाला वो भेजना फिर मैं आपको बताऊंगा मैं अभी कौन सी पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो इनफैक्ट मुझे भी ना यही था कि क्वेश्चंस बहुत सारे थे, और जैसा आपने कहा ना युवराज कि वो जब आप पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है कि हम क्या मिस आउट कर रहे थे बेसिकली लाइफ में, तो ऐसा ही कुछ हुआ और एक्चुअली में पता चला कि हम कौन हैं। मैं हमेशा से ना ये चीज मुझे बड़ी अट्रैक्ट करती था, या यूं कह लो कि हमेशा परेशान करती थी कि यार मैं हूं क्यों और मेरा पर्पस क्या एग्जिस्ट करने का, क्योंकि मैं जब भी ये चांद तारे दिखता था है ना, इतना बड़ा यूनिवर्स, इतनी बड़ी दुनिया भगवान जी ने जिसने भी क्रिएट करी है, पहले तो मैं भगवान जी में भी नहीं मानता था। एक टाइम ऐसा था मेरी लाइफ में कि आई वॉज अ एथीस्ट, मतलब मैं नास्तिक था, मैं भगवान जी में बिलीव नहीं करता था पूरे अच्छे से, तो मैं यही समझता था कि यार ये किसने बनाई है, जिसने भी बनाई है वो कौन है और उसने क्यों बनाई, उसका पर्पस क्या है, तो सारी चीजें ना अच्छे से पूरा
एक्सप्लेन करी है भगवद गीता में कि बेसिकली आप कौन हो, कि ये हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो ये बहुत ही अमेजिंग चीज हो गई कि जैसे होता है ना कि एक कॉन्वर्सेशन के एंड में जो जिस चीज पे जिस नोट पे आप छोड़ते हो, आप फिर नेक्स्ट या कॉन्वर्सेशन ही एक एपिसोड से आप ज्यादा रिलेट कर पाएंगे आपसे, जैसे सीरीज के किसी एक एपिसोड आपने देखा और उसके एंड में आपने जिस पर छोड़ दिया और फिर आप वहीं से कंटिन्यू करते हो, है ना, नेक्स्ट एपिसोड में। तो अभी हम जहाँ पे आज छोड़ रहे हैं, हम इस डिस्कशन पे, स्पिरिचुअल टॉपिक्स पे, टॉपिक्स के डिस्कशन पे हम आज का सेशन खत्म करेंगे, लेकिन अब हम नेक्स्ट सेशन को यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है? और एक रिक्वेस्ट है, हनी पूछ रही है। हाँ हनी, प्लीज बताइए, आप चैट में लिख सकते हैं, ठीक है युवराज? एक और चीज, हाँ प्लीज बताइए। लाइक अभी मेरे को सडनली वो स्ट्राइक हो गई, मैं मतलब ना बीच में चैट में भी कहा था नेक्स्ट मी प्लीज, बट ये लास्ट अब जैसे मेरा हो गया, ठीक है? तो मुझे एक लाइन मतलब स्ट्राइक हुई वो, एंड उसका मतलब वो प्रूफ भी सही हो गई अभी, ये मेरे को उसका रीजन भी मिल गया। और वो लाइन ऐसा है कि तुम करते वो हो जो चाहते तुम हो, और होता वो है जो श्री कृष्ण जी चाहते। तुम करते वो हो जो तुम चाहते हो, पर जो होता वो है जो श्री कृष्ण जी चाहते। तो तुम वो करो जो श्री कृष्ण जी चाहते, तो वो होगा जो तुम चाहते हो। वाओ, बहुत सही, बहुत सही। यहाँ पे एकदम ट्रू प्रूफ हो गई। मतलब मैं इतने देर से ट्राई कर रहा था कि मैं आपसे पहले बात करूं और लास्ट में आ गया। मतलब मैं भी ऐसा होना था कि ये आपका एक जो लास्ट वाला पार्ट था वो उसके आगे ही नेक्स्ट में कंटिन्यू होना था, तो वैसा आप लग रहा है वो एकदम। थैंक यू सो मच, यू आर मोस्ट वेलकम युवराज। ठीक है, तो अब आप अपना ऑफ कर सकते हैं ऑडियो वीडियो। तो ठीक है, तो अभी कितने लोग ऑनलाइन बचे हुए हैं जिंदा? 18 लोग अभी बचे हुए हैं, 18 सैनिक, बाकी कुछ सैनिक अभी शहीद हो चुके हैं आज के लाइव चैट के हिसाब से। तो मैं तो हाँ, हनी आपकी क्या रिक्वेस्ट थी, मैं पढ़ना भूल गया, आपने कुछ लिखा था चैट में, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। एक रिक्वेस्ट थी, प्लीज कीप द सेशंस ऑन वीकेंड्स, वी कांट अफोर्ड टू मिस दीज सेशंस, कीप द सेशंस ऑन वीकेंड्स प्लीज, वी कांट अफोर्ड टू मिस दीज। अच्छा, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा हनी कि ये जो सेशंस है हम सबके, ये मैं उसी पे रखूं, वीकेंड्स पे या सैटरडे संडे को जब हम सबको टाइम मिल पाए एक साथ में। तो अब जाते जाते हम पहले थोड़ी सी चैंटिंग करेंगे और फिर हम सब साथ में संकीर्तन करेंगे, ठीक है? तो पहले थोड़ी देर चैंटिंग करते हैं। सबको याद है ना चैंटिंग का मंत्र? मैं एक बार क्या करता हूँ, चैट में फिर भी लिख देता हूँ, ये मुझे बाद में आइडिया आया कि क्यों ना मैं चैट में इसको टाइप कर दूं, तो अगर किसी को नहीं भी आएगा ना तो वो वहां से पढ़ पढ़ के बोल सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। अरे ये मुझसे जल्दी किसने टाइप कर दिया, वाह मैं कितना स्लो हूं। ठीक है, सबने टाइप कर दिया, नेहू ने टाइप कर दिया, मार्गी ने टाइप कर दिया, परफेक्ट। तो नेहू और मार्गी ने ऑलरेडी टाइप कर दिया, तो अब मेरा काम सिर्फ इतना है कि मेरे को चैंट करना है, और जिसको भी पढ़ पढ़ के चैंट करना है वो चैट में एक बार देख सकता है, ठीक है? तो वापस से मैं रिमाइंड करूंगा, ये मंत्र हमको साथ में बोलना है और सुनना है, बोलना है और सुनना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है? बहुत सिंपल। दीवू कह रही है मुझे पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल दीवू, आप अभी लेट है ना, तो ये आपकी सजा है, हम आपको याद नहीं करवाएंगे, आपको पढ़ के बोलना पड़ेगा, ठीक है? ओके, तो लेट्स स्टार्ट। जय श्री कृष्णा, मेरे बाद में रिपीट करना ये जो फर्स्ट मंत्र है, जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। अब मेरे साथ साथ में बोलना, ठीक है? और सिर्फ बोलना और सुनना, बोलना और सुनना, दैट्स इट। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैसा लगा? मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। है ना, कितना सुकून है। एग्जैक्टली, फील्स लाइक हेवन। ऑसम, फीलिंग गुड, बहुत ज्यादा अच्छा लगा, सुकून। एग्जैक्टली, बताया मुझे ना, जब मुझे ये महसूस हुआ ना कि यार इस सिंपल चैंटिंग ने जो मुझे सुकून दिया है, जो मुझे हैप्पीनेस दी है, वो आज तक मुझे लाइफ में और किसी चीज ने नहीं दी, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि ये तो मुझे थोड़ा और प्रैक्टिस करना है। और फिर मैंने, जब मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगने लगा, तो मैंने बस डिसाइड किया कि यू नो कि कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मेरे जितने भी अपने लोग हैं उनको मैं इसके बारे में बताऊं। तो अब आप सबसे ये रिक्वेस्ट है मेरी कि हम ये सेशन वापस से जरूर करेंगे, नेक्स्ट वीक हो चाहे इस वीक ही हो, तो ये सेशन जरूर करेंगे। रिक्वेस्ट मेरी ये है कि आप सब जरूर ट्राई करना। मैं यशिता को, मैं या किसी को भी हम अपने ग्रुप में से, मैं लिंक सेंड करूंगा इसके ऑडियो की। तो आप जब भी, आप सबको टाइम मिले, आप इस लिंक को ओपन करना, कहीं भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चल रहे हो, आप गाड़ी चला रहे हो, आप बैठे हुए हो, आप लेटे हुए हो, आप वॉशरूम में हो, बाथरूम में हो, किचन में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इस ऑडियो को चाहे प्ले करो चाहे ना प्ले करो, जस्ट चैंट दिस मंत्र एंड लिसन टू इट, दैट्स इट।
ये जो अपना काम है ना पीस देने का, ये जो इसका काम है स्ट्रेस को एंजाइटी को एकदम दूर कर देने का, हैप्पीनेस देने का, ये करके ही रहेगा, ये इतना इफेक्टिव है. सो इट इज लाइक अ ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस. तो मैं कोशिश करूंगा ये जो लिंक है मैं अपने ग्रुप में किसी के साथ में शेयर करूं. और भैया मैं आपको इंस्टा पे एक लिंक सेंड करूंगी, आप एक बार वो सुना और बताना मुझे आपको कैसा लगा. ओके डन नंदिनी. ठीक है तो अभी कितनी कम काउंटिंग में भी फील किया. हाँ एग्जैक्टली हनी. तो इसको आप कितना भी करो, जितना ज्यादा करोगे ना ये उतना ज्यादा बेनिफिट करेगा. लेकिन आपने इसको कम भी किया ना तो भी ये अपना काम तो करके जाएगा. दिस इज वेरी वेरी पोटेंट स्पिरिचुअल मेडिटेशन टेक्निक, मतलब सबसे पोटेंट. मैंने अब तक जितनी भी ट्राई करी ना लाइफ में उनमें से सबसे ज्यादा इफेक्टिव मुझे यही लगा आज तक. तो बस यही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब भी इसको ट्राई करना, जितना ज्यादा हो सके चैंट करना. और मैं एक बुक भी शेयर करूंगा, पीडीएफ शेयर करूंगा स्पिरिचुअलिटी के ऊपर जो मैं रिसेंटली अभी पढ़ रहा हूँ. बहुत छोटी बुक है, अराउंड 60 पेजेस की. तो आप में से जिसको भी पढ़ने का शौक है, तानिया को तो पक्का है, उसके बुक शेल्फ देख के लग गया था. और इनफैक्ट मैंने उनको एक बुक भी भेजी थी पहले. तो मैं एक पीडीएफ शेयर करूंगा, तो आप वो चैंटिंग के लिंक से चैंट कर सकते हैं और आपको जब भी टाइम मिले इच्छा करे आप वो बुक भी पढ़ सकते हैं. बहुत छोटी बुक है, बहुत प्यारी बुक है. ठीक है तो फिर मिलते हैं अपन सब. और बहुत अच्छा लगा आप सब आए इस सेशन में. और हम वापस से ऐसा कुछ सेशन रखेंगे. और नेक्स्ट सेशन में फिर हम कहाँ से डिस्कस करेंगे, स्पिरिचुअलिटी की बिगनिंग से डिस्कस करेंगे जहाँ से आज हमने एंड किया.